बहुत अच्छा, ये लाइन वगैरह जहाँ लगती थी ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी जल्दी जाना, यहाँ से 9.5 किलोमीटर तो निकल रहे हैं। शुक्रवार की बिल्कुल भोर से इस ब्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी बिल्कुल अंधेरा सा है, 5 भी नहीं बजे थे और हम लोगों को जाना था कालीघाट। तो काफ़ी दिन हो गए थे, दर्शन भी नहीं किए थे, तो मम्मी मैं और दीदी गए थे और उसके बाद में बस यहाँ उठ के मैंने पानी गर्म करके पिया है और झाड़ू वगैरह जो मैं सुबह का करती हूँ वो मैंने किया है और फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए, क्योंकि कहीं भी दर्शन करने के लिए जाओ तो अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करके दीपक जलाने के बाद ही जाना चाहिए, तो इस वजह से फिर इतनी जल्दी उठना होता है। अदरवाइज़ अगर ऐसी बात हो कि भाई आके पूजा करेंगे तब तो थोड़ी लेट उठ जाए, मगर जाने से पहले अपने घर के मंदिर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस झाड़ू लगाने के बाद मैं पूछा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर के सामने ही लगाया है, जैसा कि मैं रोज़ इसी जगह में थोड़ा पोंछा लगाती हूँ और झाड़ू मैं पूरे घर में करती हूँ। और अभी छुटपुट सा उजाला हो गया है थोड़ा काम करते करते, तो गर्मी का समय है, 5 बज के जैसे निकल जाते हैं तो फिर उजाला होना शुरू हो जाता है। ठंड में तो इस टाइम में बिल्कुल अंधेरा सा रहता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर नहा ली थी और ये देखिए ये कोने में छुप छुप के सोता है, तो कभी कभी तो इसको घर में खोजना भी पड़ता है कि भाई कहाँ है, पर्दा हटाओ तो खिड़की के पीछे मिलता है। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो थोड़े सूखे से पत्ते जो रहते हैं ना पौधों के, वो गिर जाते हैं डेली, तो यहाँ मैं क्लीन करके और अच्छे से पोंछा लगा देती हूँ और बस उसके बाद में मैंने यहाँ आरती की है और फिर मैंने बुलाया है उबर कालीघाट जाने के लिए। उबर आ गया है, नीचे उतर रही हूँ मैं और दीदी आएंगी वहाँ अपने घर से। मंदिर ही बहुत समय के बाद जाना हो रहा है मेरा। कितने बार तो मम्मी ने बोला कि चल चलते हैं मंदिर, बट टाइम इतना मिलता नहीं है, आज बहुत दिनों के बाद निकल रहे हैं। इधर से सीधा निकालते तो ठीक रहता। पानी तो भैया अभी हर जगह ही भरा हुआ है, बारिश बंद ही कहाँ हुई है। आगे से घुमाइए, आगे से आगे लीजिए, वहाँ जगह है घुमाने से। गाड़ी आ तो रही है, देख ले रहा है तो चले जाएंगे। ये वही तो गाड़ी आ रहा है देखिए। थोड़ा बना हुआ रास्ता वो भी तालाब बन गया है, देखिए कितना पानी भरा हुआ है। और भी कितने अच्छे से सब बन गया है, देखिए रोड वगैरह भी सब खुदाई हो रखी थी यहाँ पे पूरा, कितनी सारी शॉप वगैरह भी खुल गई है। कालीघाट बहुत अच्छा हो गया है पहले से। सो हम लोग तो पहुँच गए थे और रास्ता आप देख सकते हैं पूरा भीगा हुआ है, तो बारिश कंटिन्यू ऑन है कोलकाता में, जस्ट लाइक मुंबई। मैंने एक व्लॉग में आपको बोला था कि कोलकाता मुंबई बनता जा रहा है बारिश के मामले में। यहाँ हम पहुँच के तकरीबन 15 मिनट बैठे रहे हैं तब फिर दीदी पहुँची हैं और फिर हमने किए हैं दर्शन। मैंने इतने खाली दर्शन कब बनाने, बरसात की वजह से ना आज थोड़ा खाली भी है।
और मंदिर के दर्शन मैं आपको बाहर से ही करा सकती हूँ क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है। और आप में से बहुत से लोग मम्मी के बारे में पूछ रहे थे कि अब तबीयत कैसी है, तो बिल्कुल सही है, ईश्वर की कृपा से अब बिल्कुल स्वस्थ हैं मम्मी, तो उनके चेहरे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, और कंपैरिजन टू बाकी दिन आज मंदिर थोड़ा खाली भी है। बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। अब भोलेनाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं लोटा चढ़ाने। और ये वाला जो भोलेनाथ जी का मंदिर है ये ठीक कालीघाट के अपोजिट में ही है, एकदम सामने ही है, तो माता के दर्शन करने के बाद में यहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन हम लोग ज़रूर करते हैं और लोटा भी चढ़ाते हैं। कालीघाट की शक्ल पूरी चेंज हो गई है, बहुत सुंदर बना दिया है, बहुत अच्छा। ये लाइन वगैरह जहाँ लगती थी ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छा बन गया, खूब बढ़िया। गेट भी बहुत सुंदर बना है। तो कालीघाट में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन एज इन काम जो हुआ है, तो मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, इतना सुंदर बना दिया है। अब मंदिर के अंदर का तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, मोबाइल अगर अलाउ रहता तो ज़रूर आपको दिखाती, बहुत ही सुंदर काम हुआ है, बहुत खूबसूरत हो गया है। और मंदिर से निकलने के बाद में फिर जो ज़रूरतमंदों को हम खाना खिलाते हैं, बस वो हमने खिलाया है। अब कई बार ये कॉमेंट आए हैं, बहुत ही कम लोग ऐसा कमेंट करते हैं, बट फिर भी मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ कि इस तरीके के कमेंट आते हैं कि अगर आप खाना खिला रहे हैं या कुछ दान कर रहे हैं तो उसका आप दिखावा क्यों कर रहे हैं। तो डियर, इसको दिखावा नहीं बोलते हैं। मेरे चैनल पर जो आप व्लॉग देखने आते हैं उसका नाम ही है द लाइफस्टाइल टेल्स, तो मैं बस आपसे अपनी लाइफस्टाइल को शेयर करती हूँ, डेली व्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ। और जिसको दिखावा नहीं बोलते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सो बस यहाँ हमने ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया है और उसके बाद में फिर हम निकलें, उससे पहले एक बार और मंदिर के दर्शन आपको मैं करा रही हूँ। बस मैंने ऊबर बुक कर लिया था और फिर हम निकले हैं घर के लिए। बलवंत सिंह ढाबा, जब से हम लोग बलवंत सिंह ढाबे में चाय पीते हैं कालीघाट से दर्शन करने के बाद, दीदी पहली बार है। हैं दीदी पहली बार है क्योंकि वहां से दीदी चली जाती है घर। आज दीदी की सवारी हम लोगों के संग जा रही है घर। अभी ऑर्डर किया है बलवंत सिंह ढाबे में, लेकिन पता है यहाँ से अच्छी चाय हमारे घर की है। हाँ मम्मी, लेकिन यहाँ की बुरी भी नहीं है। तो निकलते ही कब है, थोड़ा सा हम लोगों का पिकनिक टाइप का ही हो जाता है ना। सो चाय यहाँ हमारी आ गई है बनके, और चार भाड़ चाय है, ये जो कुल्लड़ है इसको कोलकाता में भाड़ बोलते हैं। तो आप सब भी आ जाइए, आप सब भी इनवाइटेड हैं हमारी चाय में। बस यहाँ हमने चाय पी है, ड्राइवर भाई साहब को भी चाय पिलाई है, और उसके बाद फिर हम निकले हैं घर के लिए। अब थोड़ा जल्दी बढ़ा लीजिए भैया, घर थोड़ी दूर में तो सिग्नल मिलता रहेगा। ये काहे की आवाज़ हो रही है? हाँ आंचल ने ना लहंगा ऑर्डर किया था ना, आते ही रिटर्न कर दिया। अरे आते ही रिटर्न कर दिया। तो कोलकाता में अब आप देख सकते हैं कि बारिश का क्या हाल है, ये रोड पे इस तरीके से पूरा पानी जमा हुआ है जिसकी वजह से हमें घर पहुंचने में बहुत देर हुई है। अब जाके हम लोग घर आ पाए हैं, 10:30 ही बज रहे हैं पूरे सुबह के। इतना लेट होने का कोई मतलब ही नहीं है, कालीघाट दूर है हमारे घर से, बट आज इतना लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह। मैंने बताया ना जैसे कि 2 से 3 दिन से कोलकाता में बारिश बंद ही नहीं हुई है, और स्पीड भी अच्छी है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, मगर हो रही है, बट ज़्यादातर स्पीड में ही बारिश हो रही है। अब आज खाना बनाना नहीं है, बहुत खुशी की बात है
क्योंकि दाल पूड़ी सब खाएंगे। और बस अब 1 बजे जाना है हम लोगों को ज्वेलर्स के पास में, शादी के लिए कुछ ज्वेलरीज ऑर्डर की हैं, दिखाऊंगी आपको। और सोने का भाव तो आजकल इतना चढ़ा हुआ है, आई थिंक 10 ग्राम का जो है वो कुछ 72,000 कुछ ऐसे है, बहुत ज़्यादा प्राइस है आज की डेट में। अगर जैसे सोच लें कि कुछ जोड़ के कुछ सोने का कुछ बनाया जाए तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महंगा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो अब तो मतलब बस सोच ही सकते हैं कि हाँ भाई एक थोड़ी सी कुछ अच्छी पहनने लायक थोड़ी भारी सी चीज़ बना लो, तो वो सोच सकते हैं, बना नहीं सकते हैं क्योंकि महंगा ही इतना है। तो जाएंगे ज्वेलर्स के पास में, दीदी भी उसी काम से आई हुई हैं, तो तीनों देवियां जाएंगी। वहां आपको डिज़ाइन भी शो करूंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन वो रखते हैं। और हम लोग क्या है कि जैसे ऑनलाइन में कोई डिज़ाइन पसंद आई तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको देते हैं, एकदम सेम बना के देते हैं, वो काम भी अच्छा है उनका। काफ़ी सुबह की उठी हुई हूँ, अब थोड़ा आधा घंटा तो कम से कम नैप लेना ही होगा। नाश्ता मैं अभी करूँगी, आके मैंने दवाई खाया है, बस उसके बाद आधा घंटा ज़रा सोऊंगी फिर उठूँगी। तो ये हम आ गए हमारी ज्वेलरी शॉप पर। अब हम हमारी ज्वेलरी शॉप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग यहीं से ज्वेलरीज लेते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बोलो ये बना के दे देते हैं, और सब हॉलमार्क का। देखिए ये एक मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट देखिए पूरी मोती है, ज़रा सा ही सोना है, ये 52,000 का है, 52,000 का। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी कि अभी कुछ मन करे कि ख़रीद लो तो नहीं ख़रीद पाते क्योंकि सोना महंगा ही इतना है। आज आपके साथ मैंने एक शॉर्ट्स भी शेयर किया है, तो वो डियर वो मेरा सोना नहीं है, बस मैं यहाँ पर आई थी और दीदी को जूही की शादी के लिए गोल्ड का ऑर्डर देना था, कुछ बनवा चुके हैं कुछ बनवाएंगे, तो ये खूब भारी भारी सेट उन्होंने निकाल के दिखाए, तो वो जस्ट मैं पहन के देख रही थी। अब ख़रीद तो पा नहीं रहे हैं तो बस पहन के ही अपना मन भर लो, तो बस आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए जितना भी गोल्ड मैं इस टाइम पर पहनी हुई हूँ, ये 6,20,000 रुपये का पूरा गोल्ड था। अब बताइए कि कभी पहले जैसे 50,000 भी आदमी जोड़ लेता था तो उसमें एक छोटा सा जो हाफ सेट बोलते हैं, एक गले का छोटा सा हार और कान के, तो इतना तो बन जाता था 50-60 हज़ार में, अब तो कुछ भी नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ। और फिलहाल दीदी ने ऑर्डर भी दिया है जूही के लिए शादी में जो गोल्ड देंगी, तो कुछ कुछ तो हमने भी देखा है छोटा मोटा सामान। अब जैसे तो सब कुछ अपनी पॉकेट पे अलाउ करता है, महंगा इतना था कि फिलहाल तो अभी मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है। दीदी ने पति पहना है 50 तोला, आज की डेट में ये 50 तोला ही है, नहीं 100 तोला, 100 तोला, अरे हाँ 100 तोला, 50 तोला नहीं, दोनों तरफ से डिजाइन है, ये देख दोनों तरफ से पहनने सिक्कड़ वाली डिजाइन है। मैं बैठी हूँ आगे और वो दोनों बैठेंगे पीछे। 3:30 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर का, अब जा रहे हैं घर, सॉरी अब जा रहे हैं घर। और कुछ नहीं, अब जा रहे हैं घर। और एयर कंडीशन है ना, दोनों में से पानी गिर रहा है घर में ही, तो टेक्नीशियन आने वाले हैं, वो भी कॉल कर रहे हैं कि 10 मिनट में आ जाएंगे। अब जल्दी जल्दी जाना, यहाँ से 9.5 किलोमीटर तो निकल रहे हैं अब। तो चलिए फिलहाल बेटी के लिए जो सोना ऑर्डर करना था शादी के लिए वो तो दीदी ने कर दिया है, और मम्मी ने भी हल्का फुल्का कुछ ऑर्डर किया है, मैंने फ़िलहाल अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। अब आने वाले समय में सोना और भी ज़्यादा महंगा हो जाने वाला है, भाव बढ़ जाने वाले हैं, तो ऐसा शॉप में वो बता रहे थे भैया, तो देखेंगे जैसा पॉकेट अलाउ करेगी वैसा ज़रूर से ऑर्डर कर देंगे, और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि क्या ऑर्डर किया है। बस यहाँ बैठ के दीदी को सारी साड़ियाँ दिखाई हैं जो शादी के लिए ली थी, सामने से दीदी ने नहीं देखी थी तो बस वही दिखा रही थी। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय।